चलो गाइस सारे की सारे वुड कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजें बनाना बाकी हैं। चलो वेट, ये हाउस किसका है? ओबे ये हाउस देखने में तो बहुत मस्त लग रहा है, चलो इसके पास चलते हैं। गाइस पता नहीं किसका हाउस है एंड यहाँ पर कोई खेती भी कर रहा है। ये कौन है? ओबे ये है कौन? ओबे मैं तो इसको जान, ओबे वाओ लिटरली तुम मेरे को बहुत सारी कुकीज़ दे रहे हो, वाओ मेरे को भूख भी लगी है। चलो चलो गाइस कुकीज़ खाना है तो इसके पीछे पीछे चलते हैं। ओ वाओ इतने सारे कुकीज़, मैं तो सारे ले लूँगा। अरे इधर इधर, हाँ और दो और दो और दो और थोड़े से कुकीज़ दो। अरे थैंक यू अंकल जी मेरे को कुकीज़ देने के लिए, मेरे पे वेट। हाँ ये ओ वाओ ओबे इसका, ओ माय गॉड, हाँ शिट ओबे ग्रैनी। ऑल राइट गाइस ये देखो मेरा दोस्त, ओबे हेलो गाइस कैसे हो? ये देखो मेरा दोस्त है जो कि बहुत ही बड़ा वाला पागल इंसान है, मतलब एक तरह से आप लोग इसको पागल बोल ही सकते हो क्योंकि ये पागल ही है। सो इसके लिए कमेंट्स में पागल लिख दो, PAGAL पागल, तभी इसको मजा आएगा गाइस। फिर देखते हैं कौन कौन इसको पागल बोलता है और कौन कौन इसको हीरो बोलता है। जो इसको पागल बोलता है तो पागल लिखो, जो इसको हीरो मानता है हीरो लिखो, मैं तो इसको पागल मानता हूँ। चलो ओके ये देखो यहाँ पे कितनी सारी लाइट रखी हैं, टॉर्च। ओके चल नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे एक बहुत स्कैरी वाली केव है एंड आज हम लोग बहुत खतरनाक वाले एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। सो लेट्स गो गाइस, चलो चलते हैं इस केव के अंदर। ओके हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर एंड देखते हैं। ओए पागल थोड़ा आगे चलना, मैं भी तो आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। अबे यार ये जो पॉर्कर है, शिट यार इसमें तो मेरे को डैमेज भी लग रहा है, अब एक और लग गया। चलो आगे चलते हैं। ओके सो ये पॉर्कर तो बहुत खतरनाक, वेट वो कौन है? ओए चुप रहना, शोर मत करना बिल्कुल भी, सामने शायद ग्रैनी हो सकती है। क्या हो गया भाई, टॉर्च चला यार, क्या कर रहा है, इतना अंधेरा वैसे भी है। अबे तो पूरा पागल है, नहीं क्या हो गया भाई, डरा रहा है यार, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं, मैं तो ऐसे डर गया, मैं तोड़ देता हूँ इसको। अबे पागल गिर गया, ओए ग्रैनी तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, नहीं। ऑल राइट गाइस ये देखो मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, एकदम टॉप पे। वेट वो क्या है? ओ शिट गाइस नीचे मेरे को कुछ मिल चुका है जो कि एक चेस्ट है एंड मैं इससे जाने वाला हूँ एकदम मस्त झकास तरीके से आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे चेस्ट के अंदर क्या हो सकता है, लेट्स सी। ओके यहाँ पे व्हाट डेड ब्रांच, ओए सामने एक और चेस्ट है, चलो दोबारा चलते हैं। ओके पोगो स्टिक से लेट्स गो, वाओ क्या जंप थी वे। ओके वाओ अरे सच में पहुंच गया, मैं एक झटके में पहुंच गया। चलो गाइस अगर आपको ये अपने वर्ल्ड के अंदर चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। एंड इसके अंदर मेरे को एक शॉर्ट मिली है, शॉर्ट बढ़िया है एक। ओ ये कौन है, माय गॉड। ऑल राइट मेरे चेस्ट में क्या रखा है? ओके अपना एक निकाल लेते हैं क्योंकि इससे अभी हमें खेती करनी है एंड इन सब चीज़ों को तोड़ना है। ओके टूट जा तू भी टूट जा। वेट वो किसका हाउस है? देखो पहले सब कुछ तोड़ लेता हूँ एंड इसको तोड़ लिया है एंड चलो चल कर देखते हैं फटाफट से वो हाउस किसका है मेरे वर्ल्ड के अंदर। मैंने आज से पहले गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा लेकिन आज मैं सच में पहली बार देख रहा हूँ, ये हाउस किसका हो सकता है क्या आपको पता है? अरे आपको कैसे पता होगा, ये तो मेरे को भी नहीं पता है लेकिन हमें चेक करना तो चाहिए ना, तो चलो फिर चलते हैं चेक करने। वो किसी मॉन्स्टर का तो नहीं हो सकता क्योंकि मॉन्स्टर केव के अंदर रहता है और इंसान घर के अंदर रहता है, तो ये किसी इंसान का ही घर है। सो ये है कौन? ओबे कितनी खतरनाक जगह बना रखा है। सो वेट ये कोई घर नहीं है, ये एक केव है, वो भी स्कैरी वाली केव। ये लोग कौन है? अरे नहीं गाइस ये देखो यहाँ का व्यू कितना प्यारा आता है, सच में यार यहाँ से व्यू बहुत ही ज्यादा प्यारा आता है लिटरली। और गाइस अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दो वरना इतनी अच्छी अच्छी वीडियो नहीं आ पाएंगी। सो ये देखो मेरे पास कितने खतरनाक वाला शॉवल है, वाओ मतलब इसको शॉवल नहीं कह सकते, ये बहुत मस्त चीज होती है, मतलब होती बहुत मस्त है। इसको हम लोग ऐसे फेंकेंगे तो वो सामने वाली चीज तोड़ के लेके आ जाएगी मेरे पास ऑटोमेटिक। सो ये बहुत ही अच्छी चीज है ना,
सो इसके लिए तो एक लाइक कर ही सकते हो ना, तो फटाफट से लाइक कर दो। एंड इस वीडियो पर लाइक टारगेट है 1K लाइक, सो फटाफट से कर दो। ओके सो यहाँ पर मैं फटाफट से तोड़ देता हूँ शॉवल से इस डर्ट को, क्योंकि डर्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। ओके यहाँ पर और क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पर मस्त वाली स्ट्रट्स बनाना चाहता हूँ। सो टू भी टूट जा, सब कुछ टूट जाओ यार फटाफट। गाइस ये वेपन कितना मस्त है यार सच। वेट हाँ ये कौन है? ये तो मॉन्स्टर है। नो माय गॉड गाइस, ये देखो मैंने अपना दोबारा से ये खेती करने वाला सारा सामान निकाल लिया है, क्योंकि आज हम लोग फिर से खेती करने जा रहे हैं। ये चलो चलते हैं। एंड ये रही मेरी फसल, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, चलो इसको तोड़ लेते हैं। ओके मैंने आलू तोड़ लिया है। एंड यहाँ पर दोबारा से खेती कर देते हैं, क्योंकि मैंने खेती नहीं करी तो मेरे को कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है, इसलिए खेती करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है खेती करना। ओके तो चलो ये भी तोड़ते हैं, ये भी और ये भी तोड़ लूँगा। और क्या तोड़ना है कुछ बताओ, ये क्या हो गया इसको? वेट ये कौन है? माय गॉड। सो गाइस यहाँ पे रात का वक्त हो रहा था एंड रात के 12 बज रहे थे, और यहाँ पर मेरे साथ पूरी मिनियन की फैमिली सो रही थी। ये देखो यहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं एंड मैं भी सो रहा हूँ। सो गाइस ये देखो मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, एंड तभी यहाँ पे कोई आता है इस केव से। मेरा नाम है स्कैरी व्हाइट घोस्ट और मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। चलो साथियों अंदर चलते हैं, और अभी तक हम लोगों ने अपना भोजन भी नहीं करा है, तो चलो इनमें से किसी किसी को पकड़ते हैं और लेके चलते हैं अपनी दुनिया में, फिर इनको कैद कर देंगे। बहुत ही मजा आएगा साथियों, चलो चलते हैं, इनको कैद कर देंगे और कल सुबह उठ के इनको पका के खा जाएंगे। चलो लेके चलते हैं इनको, फटाफट लेके चलते हैं और इस पीले पीले मानव को पिंजरे में डाल देंगे। आ जाओ मेरे पीछे मेरे साथियों, जल्दी आ जाओ, और इसके साथ तो हमें कुछ खतरनाक चीज भी करनी है ना, भूलो मत। ऑल राइट गाइस गुड मॉर्निंग। वेट हाँ ओए तुम लोगों ने कुछ नोटिस करा? तेरा भाई का है मिनियन। ओबे तुम लोगों का भाई कहाँ गया? शिट यहाँ पे ब्लड भी पड़ा है, इसका मतलब कल रात को कुछ तो स्कैरी हुआ था यहाँ पे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर ब्लड पड़ा है, और हमारे घर में कौन आ गया भाई? इतने चुपके से कौन आ सकता है जबकि हमारे घर में डॉग्स भी थे? गाइस इम्पॉसिबल, ऐसा कौन आया जिसके बारे में हमें पता ही नहीं लगा? सो हम लोग आ चुके हैं इस केव के अंदर, क्योंकि जो मार्शल है वो बता रहा है कि जो भी आया है वो इस केव के अंदर ही आया है, एंड हमें एकदम देखते हुए जाना पड़ेगा कि ऐसा कौन है जिसने कि मिनियन के भाई को ट्रैप कर। वेट हाँ ये क्या है? ओके ये रहा, ओए मिनियन तो यहाँ पे है, फटाफट इसको बचा लो, लेट्स गो गाइस। ओ माय गॉड ओबे भाई पता नहीं इतनी खतरनाक जगह पे किसने इसको ट्रैप करके रखा था। चलो लेके चलते हैं फटाफट से, चलो मिनियन चलो जल्दी से चलो, घर के अंदर जाना पड़ेगा हमको। अरे गाइस ओके सो हम लोग आ चुके हैं इस केव के बाहर, एंड फटाफट चलो चलते हैं अपने घर के अंदर। पता नहीं अभी तक गाइस हमको ये पता नहीं। वेट किसी का कॉल आ रहा है, कॉल ये क्या है? ओबे ये किसकी कार है? हाँ गाइस ओबे पुलिस, अबे पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? पुलिस क्या हो गया तुमको? अबे यार शायद हो सकता है कि राइडर ने फोन कराओ कि यहाँ पर ब्लड पड़ा है ना, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस आ गई है। हाँ तो बताओ हमको कि यहाँ पे क्या हुआ था, वरना हम सबको मारेगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे एक भूत आया था मेरे हिसाब से, मतलब कोई घोस्ट हो सकता है जिसने कि ये मिलियन के भाई को
पक्का कर लिया था। रुको हम अभी आते हैं सब कुछ पता करके। ओके पुलिस अंकल जी, हम लोग इंतजार करेंगे आपका। गाइस हमारा पूरा घर लॉट पॉट हो चुका है, सो देखते हैं पुलिस अंकल कब तक आएंगे, एंड तब तक हमें उनका वेट भी करना है। ओके साथियों तो बताओ तब तक हम लोग क्या करें, तुम लोग कहाँ जा? ओ शिट, हाँ ओ माय गॉड। हाँ तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम इनको लेके जा रहे हैं और इन्होंने तुम्हारे भाई को पकड़ा था, हम इनको अरेस्ट करते हैं। ओके गाइस आप लोगों ने देखा, ये देखो यहाँ पे पुलिस अंकल लेके जा रहे हैं यहाँ पे ओबुंगा एंड व्हाइट घोस्ट को, एंड ये एक बहुत ही बड़ा पुलिस स्टेशन है जहाँ पे हजारों संख्या में पुलिस ऑफिसर्स हैं। ओके सो गाइस ओबुंगा एंड व्हाइट घोस्ट को एंड जैव द किलर नेक्स्ट बॉट को डाल दिया है प्रिजन के अंदर, एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, एंड कुछ पुलिस स्टेशन हमारा ऐसा है। सो गाइस यहाँ पे देखो, ओके सो हम लोग यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो दुश्मन थे वो पकड़े जा चुके हैं, सो हम लोग सेलिब्रेट तो जरूर करेंगे ना। सो गाइस आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। सो ठीक है चलो, बहुत मौज मस्ती हो गई, सब लोग घर के अंदर आओ, बहुत खेल लिए, रात होने वाली है वैसे भी, सब लोग आ जाओ फटाफट से, और जिसको जो भी खाना है वो बैठ जाओ शांति से और चलो खा लो जो जो खाना है क्योंकि उसके बाद हमें सोने भी जाना है। सो गाइस यहाँ पर फटाफट नाश्ता कर लिया है, मतलब डिनर कर लिया है क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी, एंड गाइस आपको तो पता ही है ना माइनक्राफ्ट के अंदर कितनी जल्दी रात हो जाती है। सो चलो ऊपर चलते हैं। ओके सो तुम लोग कहाँ लेट हो गए मेरे को बता दो, वैसे अभी टाइम तो नहीं हुआ है लेकिन नींद तो आ रही है ना। चलो